हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। और ये वीडियो है ट्यूसडे का, और मेरी तबीयत थोड़ी बीच में ख़राब हो गई तो मैं इसकी एडिटिंग नहीं कर पाई थी, तो थोड़ा लेट मिल रहा है आपको वीडियो। ये ट्यूसडे का वीडियो है, और यहाँ पर देखिए मैं सुबह सुबह उन्नति के लिए बना रही हूँ पोहा ब्रेकफास्ट में, तो ये लंच में ले जाएगी अपने और थोड़ा सा खा भी लेगी। तो बस यहाँ पर मैंने पोहे को अच्छे से धो लिया है और उसको स्टेनर में रख दिया है जिससे उसका पानी निकल जाएगा। और यहाँ पर अधिराज उठ चुके हैं तो मैंने इनको लिटा दिया है प्रेम में, और जब तक ये खेलेंगे तब तक मैं उन्नति को रेडी कर दूँगी, और अभी खेलने के मूड में ही है ये। तो यहाँ पर मैंने सब्जियाँ ले ली हैं, कैरेट, बीन्स, टमाटो और कैप्सिकम, इन सबको मैंने कट कर लिया है। और एक कढ़ाई में डाली है मैंने थोड़ी सी ऑयल, और उसमें राई का तड़का लगाया है, राई और हींग का, और उसमें सारी वेजिटेबल्स मैंने अपनी डाल दी हैं। और ये हल्की सी जब क्रंची हो जाएंगी फिर मैं इसमें पोहा डाल दूंगी। और मैं इसमें मसाला डालना भूल गई जल्दबाजी में, तो मैंने थोड़ा सा बीच में गैप करके ऑयल का फिर उसमें मसाला भून लिया था। तो यहाँ पर मैं देखिए मेरा मसाला भी भून चुका है, हल्दी धनिया वगैरह डाला था मैंने इसमें। तो यहाँ पर थोड़े से पीनट्स रखे हुए थे, वो मैंने पहले ही फ्राई कर लिए थे। और सुबह सुबह बहुत काम हो जाता है, थोड़े भागम भाग हो जाती है थोड़ी सी, तो इस चक्कर में बीच बीच में वीडियो रह जाती है बनने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे टमाटर और ये सब्जी इसमें भी है, सारी हल्की सी क्रंची सी हो चुकी है, तो इसमें मैं पोहा डाल दूंगी। पोहा डाल दिया है मैंने इसमें, और अच्छे से इसको कर लूँगी मिक्स। तो यहाँ पर पोहा बन के रेडी हो गया है हमारा, और हमने उन्नति का जो है टिफ़िन वो पैक कर दिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने सॉस डाल दिया है, और ऐसी चीज़ें उन्नति मन से खा लेती है, स्कूल में सब्जी पराठा तो ऐसे तो नहीं खाती है। तो बस यहाँ पर उन्नति रेडी हो चुकी हैं, और मैं इनके जो हेयर कॉम कर रही हूँ, और अधिराज प्रेम में लेटे लेटे खेल रहे हैं, वो देख रहे हैं दीदी रेडी हो रही है। तो बस इनके पापा भी रेडी हैं और उन्नति जा रही है स्कूल, तो बस मैं बाकी का काम देखूँगी आगे का। और यहाँ पर अधिराज को मैंने गोदी ले लिया है, और ये देख रहे थे कैमरे में, तो बस ये हेलो बोल रहे हैं सबको। और बस यहाँ पर मैं सब्जी बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर परमल आलू काट लिए हैं। आज मैंने परमल ऐसे ही काटे हैं, छीले नहीं हैं, क्योंकि अधिराज परेशान करने लगा बाद में, तो मैंने ऐसे ही कट करके बस ऐसे इसको छोंक दूंगी, मतलब बनने रख दूंगी। और टाइम भी 9:30 हो चुके हैं, तो इनके पापा भी बस निकलेंगे 10 बजे तक, 10:30 तक। तो फिर बस मैंने सब्जी छौंकने जा रही थी, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, और इसमें थोड़ा सा मेथी का तड़का लगाऊंगी। मेथी के तड़के एक साथ इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, जो भी मसाले पड़ते हैं सिंपल वाले, वो सब डाल दिए मैंने इसमें, अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मैं अपनी सब्जी डाल दूँगी इसमें, आलू और परमल। और मिक्स करके मैं इसको ढककर थोड़ा सा नमक डाल के बनने रख दूंगी। तो बस मेरी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। तब तक अधिराज यहाँ रोने लगे, तो मैंने सोचा इनको सुला देती हूँ पहले। तो बस इनको मैं सुलाने जा रही हूँ, और ये सो चुके हैं बाबूजी, इनको मैंने पार्ले में लिटा दिया है इनके। और अब अभी अधिराज सो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि रोटी सेक दूँ, क्योंकि रोटी ही ले जाते हैं लंच में, ये नाश्ता तो पोहे का कर चुके हैं, तो बस नाश्ते में अभी लंच में जो है रोटी ले जाएंगे। तो मैं रोटी सेक रही हूँ यहाँ पे, और मैं सुबह ही अपनी भी सेक के रख देती हूँ 2-3 रोटी दोपहर के लिए, क्योंकि अधिराज के मूड का कुछ पता नहीं होता है, कभी रोने लगेंगे तो दोपहर में फिर ये बनाने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनके फ्रूट्स वगैरह पैक कर दिए हैं, एप्पल और बनाना कट करके, लंच भी पैक कर दिया है। और अब बज चुके हैं 11, इनके पापा ऑफिस जा चुके हैं, 10:30 बजे निकल गए थे ये। और बस मैंने को अपना किचन साफ़ करना है अब, और उन्नति के आने का टाइम हो जाएगा, उन्नति आ जाती हैं 12:30 बजे। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो किचन है वो बर्तन वगैरह सब धो के और किचन पूरा क्लीन कर दिया है। तो अभी उन्नति के पापा का आया था फ़ोन, तो वो कह रहे थे कि उन्नति को लेने मैं नहीं आ पाऊँगा स्कूल से, तो तुम चली जाना। तो बस अधिराज यहाँ सो ही रहा था, तो मैंने इसकी बस क्लीनिंग कर दी हल्की हल्की, मालिश फिर बाद में करूँगी आके। और इसको मैंने रेडी कर दिया, क्योंकि उसको भी लेके जाऊँगी, क्योंकि छोड़ के नहीं जा सकती इसे अकेले घर पे, तो बस यहाँ पे इसको लेके जाना है मुझे। तो बस मैंने इसको रेडी कर दिया है, और डायपर वगैरह लगा दिया है, काजल भी लग गया है इनके। तो ये बाबूजी रेडी हो चुके हैं, देखिए लेटे हुए आराम से खेल रहे हैं। आज लेने जा रहे हैं उन्नति को फर्स्ट टाइम स्कूल से बाबू को लेके। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये पीछे देख रहा है, इसको बाहर जाना है, इसको बाहर जाना है, बाहर इधर देख रहा है। तो चलिए आज चलते हैं स्कूल उन्नति को लेने, और धूप हो रही है, ठीक है, ज़्यादा तेज भी नहीं है।
हम लोग आ गए स्कूल से, देखिए बैग बॉटल और अधि तीनों मेरे पास हैं। उन्नति बाहर से होता कितने गुस्से में देख रहा है, ये धूप में ले गई थी मुझे। उसमें गुस्सा आ रहा है, धूप में ले गई भैया को। हैं परेशान कर रही दीदी। बनाना किया और एप्पल का सैलेड बनाया हम लोगों ने। तो यहाँ हम लोगों ने लंच कर लिया है और अधिराज मेरे साथ खेल रहे हैं। उन्नति बाहर टीवी देख रही हैं और इन्हें भी ऐसे ही मस्ती आती है शैतानियों में। तो अब अधिराज के है सोने का टाइम, क्योंकि 2 बज चुके हैं और उन्नति भी अब सो जाएंगी। तो चलिए मैं इनको सुला देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर थोड़ी देर खेलने के बाद अधिराज और उन्नति दोनों सो चुके हैं और बहुत गहरी नींद में सोए हैं दोनों। तो अभी बज रहे हैं 5:30, 5:30 बज रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि दोनों सो रहे हैं ना, तब तक मुझे थोड़ा सा नीचे वाली अलमारी अपनी साफ़ करनी थी किचन की, तो मैं आज ये कर लेती हूँ। फिर खाने में दाल बनाऊँगी, सब्जी रखी है थोड़ी सी, तो दाल सब्जी हो जाएगी। और मुझे नींद नहीं आई, इन दोनों को सुलाते सुलाते इतना टाइम हो गया, फिर मैं सोचा नहीं सोती हूँ। वो फिर अधिराज फिर उठ गया था, फिर उसको सुलाया, बस यही होता रहता है मेरे साथ। तो चलिए फिर मैं अपना नीचे वाली जो अलमारी है वो साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो नीचे अलमारी है, ज़्यादा सामान तो नहीं है इसमें, बट फिर भी थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। और मैं घर से आई तो मेरा सिजेरियन हुआ है, मैं कुछ भी सफाई वगैरह नहीं कर पाई थी। तो बस मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा इसको क्लीन कर लेती हूँ। इसमें सिलेंडर बर्तन और आटे वाली जो टंकी होती है वो रखी हुई थी, तो बस मैंने सोचा थोड़ा इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे स्टिचेस में प्रॉब्लम होती है ज़्यादा काम करने में, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई अभी नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे पेपर लगा दिया है, क्योंकि बीच में जो गैप है उसमें से कॉकरोच वगैरह जाते हैं अंदर। और यहाँ बर्तनों की जो बकेट थी वो मैंने साफ़ कर ली है, क्योंकि इसमें थोड़े से बर्तन मैंने अभी धो के ही रखे थे थोड़े दिन पहले, तो ये गंदे नहीं थे। तो इनको मैंने कर दिया है, यहाँ पर अपना सिलबट्टा रख दिया है छोटा वाला, और आटे की जो टंकी होती है वो रख दी है। तो बस थोड़ा ही सामान था इसमें, ज़्यादा नहीं था और क्लीन हो गया। तो बस थोड़ी सी सफाई इसमें मांग रहा था ये, कि बस सफाई हो जाए इसकी। और जब तक मैं सफाई कर रही तब तक इसके पापा उन्नति के गोलगप्पे का पैकेट लेके आ गए। तो बस मैं यहाँ पर उसका पानी बना रही थी, सिंपल पानी बनाऊंगी क्योंकि धनिया वगैरह नहीं था। तो मैंने इस पे चाट मसाला, नमक, मिर्च और नींबू वगैरह डाल के थोड़ी सी बस इसको स्पाइसी बना लिया था, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। तो बस ये सब चीज़ें डाल के मैंने बना लिया था इसका पानी। और नीचे से मैंने टिंकी को भी बुला लिया कि गोलगप्पे खा लो आके। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें नींबू डाल दिया है, तो नींबू डाल के थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा इसमें, खटाई ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने अभी बरसात में नहीं मंगाई, क्योंकि बरसात में जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बस मैंने नींबू वाला पानी मंगाया, थोड़ी सी इसमें बूंदी डाल दी मैंने रायते वाली। और यहाँ हमारे गोलगप्पे रेडी हैं, ये देखिए। तो बस अब हम लोग इन्जॉय करेंगे गोलगप्पों को। तो बस हम लोग यहाँ मज़े ले लेके गोलगप्पे खा रहे हैं। आप लोग भी खाइए, एंजॉय करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो हम गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।